गुड इवनिंग। चलो आज बनाते हैं घर वाली सेव पूरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी पूरी में आई हुई पूरी ले रहा हूँ। अब देख सकते हैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ज़्यादा इसमें टाइम ना जाए। तो पहले हमने पूरियाँ लगा दी, फिर स्मैश्ड आलू जो पोटैटोस बोलते हैं उसमें मसाले डाले हुए हैं, घर के ही मसाले हैं, तो वो मैं डाल रहा हूँ सभी में अच्छी तरह से फिलिंग हो जाए। एक के बाद एक सभी पूरी में देख रहा हूँ कि किसी में छूट न जाए, रह न जाए, वरना घर वाले बोलेंगे कि हमें आलू नहीं आया। तो सभी में आलू भर दिया है एक के बाद एक। अब हम इसमें आलू जैसे ही भर जाता है फिर और दूसरे स्टफिंग डालेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैं उसमें मसाले डाल रहा हूँ। तो मसाले में हमारे पास ब्लैक सॉल्ट है, मिर्ची पाउडर है, हींग है और धनिया जीरा मसाला है। तो ये सभी के मसाले जो मैं हमने घर पे ही मतलब अवेलेबल रहते हैं घर में ही आपके, तो वही मसाले सभी मैं डाल रहा हूँ ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आए घर वाली सेव पूरी में। तो सभी पे एक के बाद एक छिड़क लेंगे, डाल देंगे मसाले। जैसे ही मसाले सभी में हो जाए तो उसके बाद हम मेक श्योर करेंगे ज़्यादा मतलब तीखा भी नहीं खाना हो अगर किसी को, तो कम मिर्च डालेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दही एक्चुअली मैं इसमें दो बार डालूंगा, तो इसमें पहली बार मैं थोड़ा थोड़ा दही डाल रहा हूँ सभी में एक के बाद एक। दही डालने के बाद अच्छा एक दो में रुक बाकी रह गया है, तो ओके दही सभी में डाल दिया है। अभी दही डालने के बाद हमने ग्रीन चिली जो हरी चटनी होती है, फुदीना धनिया मिर्ची ये सब मिला के जो ग्रीन चटनी घर पे बनाई हुई है उसमें थोड़ा दही भी डाला हुआ है चटनी में, तो वो ग्रीन चटनी सभी में मैं फिल करूँगा। ग्रीन चटनी सभी में फिल होने के बाद अभी मीठी सॉल्ट जो बोलते हैं मतलब खजूर इमली वाली चटनी है वो हम डालेंगे। इसमें हमने थोड़े स्मैश पोटैटोस भी डाले ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए चटनी। तो सभी में हम मेक श्योर करेंगे कि मीठी चटनी डाल दी। अभी सेव डाल रहा था पर फिर घर वालों ने वापस मेरे को टोक दिया कि नहीं अभी सेव मत डालो, अभी वापस दही डालो। तो आप देख रहे हो मैं वापस सभी में धीरे 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 दही डाल रहा हूँ ताकि मसालों के साथ दही का अच्छा मिक्सिंग हो जाए और अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए। ये घर वाली पानी पूरी है, सेव पूरी है, मतलब आप ये मत सोचना कि बाहर तो ऐसा नहीं मिलता। ये एक्चुअली हमारा घर का इनोवेशन आप बोल सकते हो, मतलब हर कोई जिसको भी मन हो अपने हिसाब से बना सकता है। दही डाल दिया, फिर सेव जो है मतलब मैं सोच रहा था नायलॉन सेव मेरे को मिल जाए बाज़ार से पर वो एक्चुअली नहीं मिली, तो फिर मैंने पैकेट सेव जो आती है कोई भी लोकल ब्रांड की वही थी, तो रेगुलर जो सेव है वही मैं डाल रहा हूँ सभी में। सेव सभी में अच्छी तरह से डाल दो। थोड़ी आपको लगेगा मैं कंजूसी कर रहा हूँ सेव डालने में, पर एक्चुअली कैसा है कि मेरे घर में सेव इतनी भी सभी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सेव से क्या होगा कि जो ओरिजिनल टेस्ट है ये पूरी का उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं छुप जाएगा, मतलब उनको दही का भी टेस्ट करना है, चटनी का भी टेस्ट करना है और मसालों का भी टेस्ट करना है। तो सेव हम भले इसको सेव पूरी बोलते हैं पर फिर भी इसमें लिमिटेड सेव डाली हुई है ताकि सभी का टेस्ट एक जैसा समान आए। सेव डालने के बाद हम थोड़ा धनिया छिड़केंगे। धनिया छिड़क दिया है बस, और क्या है, जैसे ही आपका धनिया छिड़कना ख़त्म हो जाए आपकी होममेड सेव पूरी जो हमारी देसी जुगाड़ स्टाइल है वो तैयार है। आप भी बताइए आपको ये कैसा लगा मेरा वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर, और मेरी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है प्रियंक व्लॉग्स, इसमें मैं ट्रैवल है, फूड है, हर तरह के इसमें वीडियो आएंगे। ऐसा नहीं कि ये फूड रिलेटेड चैनल है, पर ये तो क्या है कि घर पर अगर कुछ हमने बना लिया तो इसका हमने वीडियो निकाल दिया और देख लो, अगर आपको भी बनाना है तो आप ऐसी सेव पूड़ी घर पर बना सकते हैं। थैंक यू।